Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल जो है तैयारियां में जुटे हुए हैं। वहीं सभी की नजरें सबसे अधिक लोकसभा सीट वाले राज्य उत्तर प्रदेश में है। इंडिया गठबंधन के बाद उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव दिलचस्प होने वाला है। वहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का लगातार कुनबा भी बढ़ गया है। भाजपा के साथ अनुप्रिया पटेल की अपना दल यस, संजय निषाद की निषाद पार्टी के अलावा अब ओम प्रकाश राजभर की सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी भी आग खड़ी हुई है। वहीं अब भाजपा के सहयोगी लगातार मुश्किलें बढ़ाते दिखा रहे हैं। आसान नहीं होगा सीट बंटवारा। दूसरे से बड़ा दिखने की देश के दो आम राजनीतिक गठबंधन एनडीए और इंडिया ने अपना कुनबा तो बढ़ा लिया है, मगर भविष्य में यही बड़ा कुनबा इनके लिए बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है। बड़े कुनबे के साथ एनडीए के सामने अब उत्तर प्रदेश में सीटों के बंटवारों की गुत्थी सुलझाना आसान नहीं होने वाला है। निषाद पार्टी ने मांग कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले संजय निषाद ने कुछ दिन पहले एक ऐसा बयान दिया जिससे भाजपा के माथे चिंता की लकीरें दिखना लाजमी है। संजय निषाद ने एक चैनल से बातचीत करते हुए अपने बयान में कहा था कि हमारी पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इसके लिए भाजपा के शीर्ष नेताओं से बातचीत चल रही है। जिन सीटों पर निषाद समाज का बहुलता है, उन सीटों पर पार्टी अपने सिंबल पर चुनाव लड़ेगी। हमारे लिए भाजपा ने हमेशा बड़े भाई की भूमिका निभाई है। हम चाहते हैं कि जिन सीटों पर निषाद समुदाय की संख्या तकरीबन 3.5 लाख से ज़्यादा की संख्या है, वहाँ हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़े। उन्होंने कहा कि वह भाजपा से शुरू से ही कहती आ रही हैं कि उन्हें हारे हुए सीटें दे दें और वो जीत कर दिखा देंगे। राजभर का भी नया सियासी दाव है। वहीं भाजपा के एक और सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने अपने बयानों से एनडीए की मुश्किलें बढ़ाने का काम कर रही है। ओम प्रकाश राजभर ने हमारे सहयोगी चैनल यानी कि एक चैनल से बातचीत के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बनने के दावे के बीच कहा कि वो लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। यूपी में एनडीए के साथ बिहार में एनडीए के खिलाफ होने के सवाल पर उन्होंने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि भाजपा के साथ गठबंधन यूपी में है, बिहार में नहीं। बिहार में भाजपा से मांगेंगे, सीट नहीं देगी तो अकेले चुनाव लड़ लेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।